नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, 13 अगस्त शुक्रवार के दिन तुला राशि वालों आंसू नहीं रुकेंगे सुनकर, क्योंकि तुला राशि के लोगों के जीवन में नाग पंचमी के मौके पर बहुत ही बड़ा दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने वाला है तथा आप लोगों के जीवन में कई प्रकार के सपनों को पूर्ण करने का मौका भी प्राप्त होंगे। तुला राशि के लोगों के जीवन में नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और भगवान साईं बाबा की कृपा से आप लोगों के जीवन के हर प्रकार के कष्टों का अंत भी होने वाला है। आप अपने जरूरतों को भी आसानी से पूर्ण करने वाले हैं। आप अपने जीवन में कई प्रकार के सपनों को पूर्ण कर सकोगे और कई प्रकार के जरूरतों को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, नौकरी और व्यापार व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में भी आपके लिए स्थितियां पहले से काफी बेहतर होंगे। आप लोगों के शुरू किए जाने वाले कामों में आपको सफलता भी मिलेंगे। आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बना रहेगा जिनसे कि आपका मन बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। आपको कुछ समय अपने मित्रों के साथ समय बिताने की जरूरत होंगे। आप अपने घर की जरूरतों को भी अवश्य पूर्ण करने में सफल होंगे। रुपए पैसों की किल्लतें आप लोगों की दूर हो जाएंगी और पैसों में भी बरकत बने रहेंगे। आप लोगों का शुभ समय शुरू हो चुका है। परिवार में खुशियों का आगमन भी होने वाला है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप लोगों पर हमेशा बनी रहेंगी और आप लोगों को अचानक से घर बैठे बैठे भारी मात्रा में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में धन लाभ की प्राप्ति हो जाएंगे। आप लोगों के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जितना आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे भगवान नाग देवता उतने ही ज्यादा आप लोगों का सहयोग भी करेंगे। आप लोगों को बीमार व्यक्तियों के तबीयत में भी सुधार होने से राहत की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के रिश्तों में पकड़ मजबूत रहेंगी, परंतु इस समय आप लोगों को वाहन का उपयोग बहुत ही सावधानी से करने होंगे। सगे संबंधी के साथ थोड़ा सा धैर्य से आपको बातें करने की जरूरत होंगे, क्योंकि आपके रिलेटिव आप लोगों के बातों से नाराज हो सकते हैं। आप लोगों को करियर के क्षेत्र में अपार सफलताओं के नए शिखर को चूमने का मौका मिलेंगे। आपके निर्णय और विश्वास की शक्ति में बढ़ते होंगे। बिगड़े हुए कुछ कार्य भी आपके समय से पूरे होंगे। शानदार निवेश करने के लिए आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी स्वस्थ रहेंगे। जो कर्मचारी इस समय कई प्रकार के कामकाजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वे अपने कामकाजों को पूर्ण करने के लिए हर संभव कोशिशों में लगे रहेंगे। उन लोगों की कोशिशें कामयाब रहेंगी तथा आप अपने काम काजों को समय से पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन के हर प्रकार की जरूरतों को भी पूर्ण करने का मौका मिलेंगे। हर प्रकार के ख्वाहिशों को भी पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार व्यवसाय क्षेत्र में आप लोगों के संबंधित हर प्रकार के कार्य को भी आसानी से पूर्ण करोगे। नई स्थितियों को आप क्रिएट कर सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली हैं और भगवान शनिदेव जी की कृपा से जीवन में लाभ कमाने के मौके भी आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपके जीवन में छूटी हुई सारी के सारे तकदीरों का काफी ज्यादा तितावला करने वाला है और आपके भाग्य में विशेष बड़े परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके जीवन में धन लाभ करवा सकते हैं। आपको किस्मत से पैसों की प्राप्ति होंगी। आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिनसे कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। परिवार में आपसे प्रेम बढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। भवन निर्माण कार्य शुरू करवा सकोगे। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य में भी आपको लाभ ही लाभ मिल सकता है। आपको व्यापार व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। आपको जीवन में लाभ कमाने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। आपके जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होंगी और पारिवारिक समस्याएं भी दूर हो सकती है। शनिवार से ही आपके जीवन में माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। कार्यस्थल में आपका अधिकार प्राप्त होगा। राजनीतिक में नए अवसरों की प्राप्ति होंगी। पुराने कानूनी मामलों को निपटाने में सफल होंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी होंगी। आप अपने ईर्ष्या और क्रोध भाव पर नियंत्रण रखने की अवश्य कोशिश करें। आपको कई मामलों में प्रगति का मौका करने के मौके मिल सकते हैं। उन्नति की वजह से तेज गति के कारण आप अपने
अलग पहचान बनाने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में अपार सफलताएं मिल सकती हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको नई सफलताओं की प्राप्ति होंगी। गलतफहमी और लगातार असहमति पारिवारिक माहौल को निराशाजनक बना सकते हैं। जो लोग सोशल साइट पर काम कर रहे हैं उनके जान पहचान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होंगी जिनसे कि आपको लाभ हो सकता है और आपके पहले से बनाई गई योजनाओं को पूरा करने का योग रह सकता है। लोगों की सेवा करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। पिता के साथ मतभेद करने से बचने का प्रयास करें। कार्यस्थल में आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें आपको सब्र और धैर्य से काम लेने की जरूरत रह सकती है। ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है और कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत होगी। आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसमें बहुत ही सोच समझ कर वाणी का प्रयोग करने होंगे वरना इसमें आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं और कोई भी ऐसा वादा न करें जिनसे कि आप समय पूरा न कर सकें। आपके भाग्य को चार चांद लग जाएंगी। आपकी बुरी किस्मत भी आपका साथ छोड़ देंगी। आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। आपके जीवन में विशेष चमत्कार होने वाला है। निवेश के मामले में आपको कोई नया सलाह मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के कुछ नए मौके भी आसानी से प्राप्त होंगे। मित्रों, दूसरों के साथ मिलकर किए गए काम में आपको बहुत ही हद तक सफलता मिल सकती है। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सफल होंगे। आपके फिटनेस सामान की खरीदारी कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ों और विवादों से बचे रहने की अवश्य कोशिश करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें तथा कोर्ट कचहरी के मामलों को बाहर ही सुलझा लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपके जीवन में आपको अप्रत्याशित परिणाम स्वरूप धन लाभ की प्राप्ति होंगी। लेन देन के प्रति आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके शत्रुओं का विनाश हो सकता है और जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बड़े और सुनहरे अवसरों की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है जो आपके धंधा दौलत में बढ़ोतरी करवा सकता है। मित्रों, आपके जीवन में आपको लगातार सफलताओं को हासिल करने के मौके मिल सकते हैं। प्रेम संबंधित मामलों से जुड़े लोगों को सफलता हासिल होंगे। आपके प्रेम संबंधों में सुधार आ सकता है। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी से किसी विशेष मुद्दे पर बात कर सकते हैं। आपके प्यार की गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ सकती है और कुछ नए जातकों को नवीन प्रेम संबंधों की नई आशाएं भी जन्म दे सकती हैं। मित्रों, विदेश यात्राओं का योग रह सकता है या फिर कोई विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। आपको जीवन में से आपके लिए कारगर साबित होंगे तथा आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपके जीवन में आपको किसी नए लोगों के साथ संपर्क बनाने के मौके मिल सकते हैं। आपको खुशियों की प्राप्ति होंगे। आपको नए वरदान मिल सकते हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बना सकेगा। आपकी अधूरी पड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। कल के बाद आपके जीवन की हर परेशानियां भी शनिदेव पूरा कर सकते हैं और आपके जीवन में धन लाभ दे सकते हैं। आप लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात